सूर्य कुमार यादव ने खेली शानदार पारी, जीत के बाद बताया टीम का प्लान, विराट के साथ हुई साझेदारी पर भी बोले। भारत और नीदरलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2022 का मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 56 रनों से जीत हासिल की और इसी के साथ टेबल में भी टॉप पर अपनी जगह बना ली है। भारतीय टीम की बात करें तो टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 179 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए। भारत के लिए इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने 68 की पारी खेली। इसके अलावा विराट कोहली ने भी नाबाद 62 रन बनाए। वहीं भारत के लिए अंत में आकर के 25 गेंदों में 51 रन की नाबाद पारी खेलकर सूर्य कुमार यादव ने भी तूफान सा ला दिया। बता दें कि सूर्य कुमार यादव को उनकी शानदार पारी की बदौलत प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और इसी के बाद सूर्य कुमार यादव ने टीम के प्लान और साथ ही उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था और विराट कोहली के साथ जो उनकी साझेदारी हुई उसको लेकर तमाम बातें सामने रखी। आपको ये बता दें कि जब सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया के लिए बल्लेबाजी करने आए तब भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 84 रन था। टीम इंडिया के पास 8 ओवर का खेल बचा हुआ था। यहां से टीम को बड़े स्कोर तक जाने के लिए तेज तरार पारी की जरूरत थी, जो कि सूर्य कुमार यादव ने 25 गेंदों में 51 रन की पारी खेलकर टीम के लिए मजबूत स्कोर पहुंचाने में मददगार साबित करके दी। सूर्य कुमार यादव ने प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद कहा कि मैं जब बल्लेबाजी करने के लिए गया तो केवल खुद को दिखाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां काफी साधारण थी। मैंने पहली ही गेंद से ये मापने का प्रयास किया कि आखिरकार विकेट किस तरीके का हरकत कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब मैं बल्लेबाजी करने के लिए गया तब हमारे पास केवल 8 ओवर का खेल बाकी था और हमें वहां से 8 या 10 रन प्रति ओवर बनाने थे, तब ही हम बड़े स्कोर तक जा सकते थे। तभी मैंने जाकर के बल्लेबाजी करना शुरू किया और तेजी से रन बनाने की कोशिश की। मैं खुश हूं कि मैंने अपनी जो चीज़ें सोची थी, जो मैंने प्लान बनाया था, उसके मुताबिक बल्लेबाजी करने में कामयाब रहा। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव ने विराट कोहली के साथ हुई 95 रनों की नाबाद साझेदारी को लेकर भी बात रखी। उन्होंने कहा कि विराट कोहली के साथ हमेशा बल्लेबाजी करना अपने आप में खास एक्सपीरियंस होता है। उन्होंने कहा कि विराट के साथ बल्लेबाजी करने में मज़ा आता है, हम दोनों बल्लेबाजी करते हैं तो चीज़ें एकदम साफ होती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बात कही कि विराट कोहली के एक्सपीरियंस से सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। विराट आपको तमाम शॉट्स के बाद, तमाम ओवर्स के बाद, गेंदों के बाद समझाते हैं कि आखिरकार खेल को आगे कैसे लेकर जाना है और इसी वजह से उनके साथ बल्लेबाजी करने में भी मज़ा आता है। साथ ही जो प्लान ड्रेसिंग रूम से मुझे समझा कर भेजा गया और जो मेरे माइंड में था वही मैंने एग्जीक्यूट किया और इस वजह से टीम एक बड़े स्कोर तक पहुंची। बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने पारी की अंतिम गेंद पर छक्का लगाते हुए अपना 80 पूरा किया और उन्होंने 25 गेंदों में 51 रन की पारी खेली। विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप में अपना दूसरा लगातार 80 बनाया। इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी 82 रनों की नाबाद पारी खेली थी। क्या कुछ आपकी राय है सूर्य कुमार यादव इस पारी को लेकर, साथ ही विराट कोहली को लेकर कही बड़ी बात को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। नमस्कार।